हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं दिख रही है ना कोई मंजिलें मुझे तो लगता है वो सबीन की शादी करना ही नहीं चाहता। देखा नहीं तुमने क्या उसको नौकरानी बनाया हुआ था क्या उसका हुलिया बना हुआ था और अपनी बेटी क्या शानदार तरीके से उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। फजूल की जिद क्यों कर रही हो राबिया? ये कोई अनहोनी बात तो है नहीं कि एक बहन के लिए रिश्ता आया और दूसरी पसंद आ गई। अच्छे रिश्ते इस तरह ठुकराया नहीं करते। तुम्हें कहां से समझ में आई? तुम तो दूध पीती बच्ची जो मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा कर डोली में बैठने का ख्वाब देख रही हो ना तुम? ऐसे कभी पूरा होने नहीं दूंगी। दोपहर का गया हुआ अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। इस वक्त तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हालांकि ऐसा ना हो कि वो लड़के वालों के यहाँ चले गए हो। ऐसी बातें करती हो। उसने कभी घर के मामलात में हिस्सा लिया? वो कहाँ जाएगा लड़की वालों के पास? लेकिन नाजरा को वो कहकर गए थे कि वो शाम को लड़के वालों के यहाँ जाएंगे। बेटा कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। तुम देखो उसको, वो किसी से बात तो करता नहीं। फिर वो कहाँ, वो ससुराल में जाएगा और वो भी फिर वहाँ शादी की बात करने? ये नहीं हो सकता बेटा। हाँ लेकिन आ गए मत। अनम्मा आप देख रहे हैं सीधे सीधे अपने कमरे में चले गए और कितनी शॉपिंग की है। पता नहीं किसके लिए इतनी शॉपिंग करके आए। मैंने आपसे कहा था ना, देखिए आप अकेले शॉपिंग पर भी जाने लगे। आज तक ऐसा हुआ है? हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही। जी अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। जी हाँ वो थोड़ी सी दरअसल शॉपिंग करनी थी। किसके लिए? सबीन के लिए, उसका परसों निकाह है। क्या? हाँ परसों सबी का निकाह है। किसके साथ, किसने तय किया? मैंने तय किया है खुर्रम के साथ। खुर्रम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? अरे ये कोई शादी ब्याह जो है ये बच्चों का खेल है कि लड़की का हाथ पकड़ा और किसी आयरे गैरे के हाथ में थमा दिया कि ले जाओ हमारी बेटी को। अम्मा खुर्रम कोई आयरा गैरा नहीं है, आपका परखा हुआ बच्चा है। जिसके हाथ में आप मलिया का हाथ थमा रहे थे वही खुर्रम है। आपको जरा सा भी एहसास नहीं? अपनी एक बेटी का दिल तोड़कर आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं। जिस बेटी का दिल मैं सारी जिंदगी तोड़ता रहा हूं, अगर उसके लिए किसी एक का दिल टूटता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसी बात है नहीं, मैंने ये नहीं किया कि मिलिया का रिश्ता तोड़वा कर सबीन का रिश्ता कर रहा हूँ। तुमने यही किया है अहमद। जिस घर से एक बेटी की तजलील हुई उसी घर में तुम भिखारी बन के पहुंच गए। मैं कोई भिखारी नहीं बना, बल्कि उन्होंने भिखारी बनकर मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे मांगा है। मैं सबीन के साथ की गई ज्यादती की तलाफी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कयामत के रोज उसकी माँ मेरा दामन पकड़कर मुझसे सवाल पूछे कि क्या किया मैंने उसकी बेटी के साथ। आप लोगों ने तो सभी को कभी भी एक मुलाजमा से ज्यादा का कोई दर्जा नहीं दिया इस घर में, लेकिन मैं कैसे भूल गया कि वो मेरी औलाद है, मेरा खून है, मेरी बेटी, उसके हकूक है मुझ पर। तो ठीक है आप अदा करते रहे अपने हकूक, लेकिन मैं किसी को अपनी बेटी का हक मारने नहीं दूंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया था, अगर उसका नहीं तो किसी का भी नहीं। अगर ये बात है तो आप लोग मेरा फैसला भी सुन लें।
अगर आप लोग इस निकाह पर राजी नहीं हैं, तो मैं सभी को कोर्ट ले जाकर निकाह करवा दूंगा। ये शादी जरूर होगी, ये मेरा आखिरी फैसला, आप सब लोग सुन लें। मामी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये लोग शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मगर मेरी समझ में आ गई है बेटा। क्या? क्योंकि सबीन की माँ सोते हुई है ना, इस जहमत नहीं चाहती कि सबीन की शादी पहले। मगर क्यों? इसलिए कि सबीन से छोटी उनकी दो बेटियां हैं और वो नहीं चाहती कि उनकी बेटियों से पहले सबीन की शादी हो। देखने तो मैं उनकी बेटी को गई थी, मगर सबीन मुझे पसंद आ गई। बस इसी बात को उन्होंने आना का मसला बना लिया। अरे मिसेज अहमद ने तो साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए अहमद साहब को स्टेप लेना पड़ा। जाहिर है वो अपनी बेटी का भला चाहते हैं ना। सबीन के साथ मिसेज अहमद का सलूक बहुत बुरा है बेटा, इसीलिए अहमद साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दें। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि जल्द से जल्द शादी करके आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। लेकिन उनकी बात ने मुझे चौंका दिया कि उन्हें किस बात की जल्दी है। देखो बेटा, सबीन बड़ी अच्छी लड़की है, खुशगवार, खुश शक्ल और बड़ी खिदमत गुजार है, इसीलिए तो मुझे पसंद आ गई। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, ये शादी बस मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। नहीं बेटा, देखो उसको एहसास भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है, और ना ही अहमद साहब को शुबा होना चाहिए। बस तुम 10-15 दिन गुजार लो, उसके बाद मैं संभाल लूंगी, समझे? आप बेफिक्र रहें, मुझसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन प्लीज बाद में मुझ पर कोई प्रेशर मत डालिएगा, मैं सुकून से अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। हिम्मत अली का ये रूप तो मैंने पहली दफा देखा, तो मेरी भी जरा से वो लीक है। देखो सारी उम्र जिसने मेरे सामने चू नहीं की, मेरे सामने जुबान चला रहा था। मैं आपको बता रही हूँ खलमा, ये सारा किया दर है सबीन का, वो जरूर हम लोगों पर जादू करा रही। तो फिजूल बातें मत करो, क्या जादू करेगी, सारा दिन तो घर में पड़ी रहती है। तो फिर कोई वजीफा कर। मैंने खुद रातों को उसको जानेमाज पर बैठे पता नहीं क्या पढ़ते देखा। आपने कभी अहमद को ऐसे देखा? जरूर उन्हें कुछ पढ़कर उसने पिला दिया। सुनो, उसने जो कुछ करना था ना कर दिया ना, अब ये सोचो कि हमें क्या करना। अली अहमद ने कहा है ना कि कोर्ट में शादी करा देंगे, कहा है ना? अहमद ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करेंगे ना तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सुनो, ये जज्बाती बातें करने की कोई जरूरत नहीं, हकीकत की दुनिया में आ जाओ और जरा अच्छी तरह से सोचो। मेरी बात मानो, सिर्फ आज का दिन रह गया है शादी रुकवाने का। ठीक है, मैं मिसेस फारूक को फोन करती हूँ, उनका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। पागल हो गई हो क्या? पहले ही हमारी इतनी बेइज्जती हुई है और बेइज्जत कराना चाहती हो, और तुम फोन करोगी ना उन्हें तो यही समझेंगी ना कि मलिया के लिए कोई और रिश्ता नहीं है, इसीलिए तुम शादी करके उनको खुशामद कर रही हो। अल्लाह ना करे मैं ऐसा करूं, बाढ़ में जाए वो और उनका बेटा। बस फिर बेटा, अब एक ही तरीका रह गया कि हम अहमद को किसी तरह से रोके कि वो शादी ना करे, और अहमद को इसके लिए खुर्रम से बदगुमान करना पड़ेगा। जरा सही तरह दबाओ, कैसे दबा रही हो? अच्छा खाने में क्या पका है आज? तो सबका खाना बीबी जी ने खुद बनाया है। अच्छा, यही तो पूछ रही हूँ कि क्या पक्का है। मटर पुलाव, कोफ्ते का सालन और मीठे में शाही टुकड़े। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी तो भूख खुल गई सुन के। तुम यही मुँह करो कि ना जाके थोड़ा सा मटर पुलाव और 2-3 कोफ्ते ले आओ। लेकिन आपका तो परहेज ही खाना बनाया है, उबली हुई लौकी और दलिया। क्या उबली हुई लौकी? ये जानवरों का खाना मेरे हलक से नहीं उतरता। तुम जाओ जाके मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती बेगम साहिबा, क्योंकि मुझे साहब ने सख्ती से मना किया है, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे।
साहब की चमची। जाओ यहां से, मैं खुद जाकर ले लूंगी। मॉम, मॉम, हाँ ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाई की शादी हो रही है। हाँ ठीक सुना है तुमने। लेकिन मॉम हमने कोई तैयारियां ही नहीं की, इतनी जल्दी ऐसे शादी कैसे हो सकती है? क्यों, क्या हुआ? कल सारा दिन में हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे और शाम को मैं मेहंदी की रस्म अदा कर दूंगी। बल्कि तुम ऐसा करना, तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना। हाँ मॉम, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो ये तो तुम जानती हो, इस घर में ढोल ढमक्का तो हो नहीं सकता। शादी जल्दी हो या देर से क्या फर्क पड़ता है, शादी तो सादगी से होगी। मॉम लेकिन हमारे घर की पहली शादी है, और ना कोई ढोल ना बाजा, ये क्या की कैसी शादी है? जाओ जाओ जाओ, खयाम से बात करो जरा, ढोल बाजे की बताता है वो तुम्हें। और वैसे भी ये शादी जरूरतन हो रही है, तुम जानती हो ना कि इस वक्त खुर्रम भी राजी है और दुल्हन वाले भी राजी हैं। अगर दोनों में से एक भी बिदक गया ना तो शादी रुक जाएगी, और मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। चलें सही है, जैसे आपको सही लगे। फिर अब हम कपड़े डिजाइनर से उठा लेते हैं, बने बनाए। हमारे पास तो अब बनवाने का कुछ टाइम ही नहीं है। क्यों बेटा आज खाना नहीं मिलेगा? अब्बू मैं तो अम्मी से कई बार पूछ चुकी हूँ लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दादी का भी परहेजी खाना उनके पास लेके गई थी, उन्होंने भी नहीं खाया, सिर्फ मलिहा और मदीहा ने खाया है। और तुमने? मैं तो आप सबके खाने के बाद खाती हूँ ना। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुमसे कितना गाफिल रहा हूँ। अबू आप मुझे शर्मिंदा मत करें, एक आप ही तो हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मैं बाकी सबको भी गलत नहीं कह रही हूँ, सबका अपना अपना मिजाज होता है। हाँ, बेटी अल्लाह तुझे खुशियां दे, तेरा नसीब अच्छा करे। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, इस घर में तेरी हक तलफी होती रही है और मैं खामोश तमाशाई बना देखता रहा हूं। लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने तेरी शादी तय कर दी है, लड़का अच्छा है, अमेरिका में रहता है, पढ़ा लिखा है। मैं मिला उससे, बहुत सुलझा हुआ है। अबू मैं आपके हुक्म की ताबे हूं। देख बेटा, उस लड़के ने 15 दिन में अमेरिका वापस जाना है, उनको कुछ जल्दी है, इसलिए मैंने परसों तेरा निकाह रखा है। मैं जानता हूं बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन बेटा पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें इस जहन्नम से निकालना चाहता हूं, अल्लाह तुझे खुशियां दे। ठीक है बेटा, तू खाना लगा, मैं तेरी दादी को लेकर आता हूं। Come in. क्या हुआ बानो? तुम इस वक्त? अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं इस टाइम? बेटा वो मुझे तुमसे बात करनी थी जरा। जी बोलिए। मैंने खुर्रम की शादी तय कर दी है। अच्छा क्या? बल्कि परसों उसका निकाह है। उसका निकाह कर लो या परसों, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं कोई गले में डोर डालकर बजाना जो आप मुझे बता रही हैं। जाइए कीजिए आप अपने बेटे की शादी, बस मुझे मत बताएं प्लीज। नहीं नहीं मुझे पता है, मैं तो बिल्कुल सादगी से निकाह कर रही हूँ। सादगी से ही होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे घर में शोर शराबा पसंद नहीं।
तुम फिक्र ना करो, घर में कोई शोर शराबा नहीं होगा। अच्छा चलें, ठीक है अब आप जाएं, मैं जरा कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। बेटा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो ये बात आप मुझे पहले सीधी तरह भी कर सकती थी, इतना बात को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। उसकी क्या बात करते हैं हम, राबिया तो पहले से तंग दिल और तुंद मिजाज थी, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है, उसने चंद माह की बच्ची को माँ की तरह गोद में रखकर पाला है और सबीन की परवरिश की है, ये तुम्हें याद नहीं है? कौन सा बड़ा कमाल कर दिया उसने, वो तो जानवरों के बच्चे भी घर में पल जाते हैं अगर दो वक्त का खाना उनको मिल जाए तो। मगर उसने सबीन को कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया, तमाम मुलाजमों वाले काम इस घर के उसके ऊपर लाद दिए। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है ना बेटा, वो लड़की जात है, उसको घरदारी करनी आ गई, उसको घरदारी सिखाई उसने। मलिहा और मदिया भी तो लड़की जात थी, उनको ये सब घरदारी क्यों नहीं सिखाई उसने? लेकिन अब मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं होने दूंगा, सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहना, मरकर आगे भी जाना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है। आप पता नहीं किस तरह सोचती हैं, बिन माँ की बच्ची के साथ जो नाइंसाफियां, जो जबरदस्तियां, जो उसके साथ बुरा सलूक इस घर में किया गया है, उसका जवाब मुझे देना है अल्लाह ताला को जाकर। अम्मा राबिया के साथ रहते रहते आपका भी दिल पत्थर का हो गया है अम्मा, आप ये कभी क्यों नहीं सोचती कि मलिहा और मदिया की तरह सबीन भी आपकी पोती है, आपका खून है। एक बात याद रखिएगा, सबीन के आंसुओं के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा और वहां पे आपकी कोई दलील नहीं चलेगी। कोई खुदा का खौफ कीजिए अम्मा, कोई खुदा का खौफ कीजिए, मजलूम के आंसू अर्श हिला देते हैं। ठीक है तो चलो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, लेकिन ये सोचो बेटा कि राबिया का रद्द अमल बहुत शदीद होगा। आप उसके रद्द अमल को मुझ पर छोड़ दें, उसकी फिक्र मत करें, बस मेरा साथ दें। मेरी बेटी के नसीब पहली बार जागे हैं, मैं उसके रिश्ते में किसी चीज को नहीं आने दूंगा। क्या हुआ? पीपी और शुगर दोनों हाई है, अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी, वो तो मैं चला गया तो देख लिया। इतनी बदपरहेजी करेंगी तो यही हो। हाँ बदपरहेजी करती हूँ मैं, भूख ही नहीं लगती है मुझे तो। मुझे सब बता आप क्या खाती हैं और कितना। खैर ले जाओ इन्हें अंदर और समझाओ इन्हें बच्ची नहीं है। लेके चलो, मैं खड़ी नहीं हो सकती। बरकत बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ शादी के कपड़े लाया था, देख लेना, अगर पसंद ना आए तो तुम उनको बदल भी सकती हो। अब नहीं अबू, आप लेके आए हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं जा रहा हूँ, एक घंटे बाद वापस आऊंगा, कोई और चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी। और हाँ वो मिसेस फारूकी आ रही है अपनी बेटी के साथ मेहंदी की रस्म करने, उन कपड़ों में मेहंदी का जोड़ा भी है।
सच सच बताओ, क्या पढ़कर पिलाया अपने बाप को? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है अम्मी, वो पत्थर को भी मोम बना देती है। मुझे ये डायलॉग नहीं सुनने तुम्हारे, तुम्हारी ड्रामाबाजियों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जिस तरह तुम्हारी माँ ने मेरे हक पर डाका डाला, मेरी मंगेतर को उड़ा ले गई, और अब तो मेरी बच्ची की खुशियों को तबाह करना चाहती है। ऐसा ना कहें अम्मी, मलीहा मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? अगर वो लोग मलीहा को बहू बनाने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं अभी इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। तुमने वहां शादी कर रखी है? और क्या करता, जरूरी था? अगर शादी ना करता तो वहां रहता कैसे? बेटा आगे से हट जाओ, बच्चगुनी होती है। बच्चगुनी तो तब होगी जब ये लड़की आपके घर जाएगी। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि लड़की मेंटल है, पागल है ये लड़की। क्या क्या कह रही हो तुम? जो भी चाहा ना मिला, हर खुशी से फासला, मुस्कुराने की कोई ना वजह। बेबसी में है घिरी मेरी सारी जिंदगी, ख्वाब सारे सो गए। She